हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑफर कर्व्स देख लिए, नेशन वन के लिए कैसा होगा ऑफर कर्व, नेशन टू के लिए कैसा होगा ऑफर कर्व। अब हमें पता चल गया है कि ऑफर कर्व जो नेशन वन का है वो कुछ इस तरीके का है, नेशन टू का है वो कुछ इस तरीके का है। अब हमें इक्विलिब्रियम भी फाइंड आउट करना है, राइट? वो तो नेशन वन का सिर्फ ऑफर कर्व बताया, नेशन टू का बताया। अब इक्विलिब्रियम किस, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा, तो वो अब हम 4.4 में देखेंगे। द इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस विथ ट्रेड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहाँ पे हम जनरल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पे पहुँच रहे हैं। The intersection of offer curves of two nations defines the equilibrium relative commodity price at which trade takes place between them. तो जहाँ पे वो दोनों offer curves intersect हो रहे हैं, ये nation वन का ये nation टू का, जहाँ पे वो intersect हो रहे हैं वो point equilibrium point होगा, और उसी point पे इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस आपको मिलेगा, और वहाँ पे आपका ट्रेड होगा दो कंट्रीज़ के बीच पे उस प्राइस पे। ओनली एट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस विल ट्रेड बी बैलेंस बिटवीन द टू नेशन। सिर्फ यही प्राइस है जिस पे ट्रेड बैलेंस होगा दो नेशन के बीच में। बैलेंस होना ट्रेड का क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल होगा। जितना एक्सपोर्ट नेशन वन करना चाहता है एक्स कमोडिटी का, उतना नेशन टू इंपोर्ट करना चाहता है, एंड वाइस वर्सा। एट एनी अदर रिलेटिव कमोडिटी प्राइस द डिज़ायर्ड क्वांटिटीज ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टू कमोडिटीज़ वुड नॉट बी इक्वल। अगर कोई भी और प्राइस होगा, या कम होगा या ज़्यादा होगा, तो या तो इम्पोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इम्पोर्ट से, जो भी सिचुएशन है अकॉर्डिंगली। तो वो एक ही प्राइस है जिस पे इक्विलिब्रियम होगा, बाकी प्राइस पे बैलेंस नहीं होगा। दिस वुड पुट प्रेशर ऑन रिलेटिव कमोडिटी प्राइस टू मूव टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम लेवल। तो इसके वजह से वो प्रेशर पुट करेगा कि अब इक्विलिब्रियम पे आ जाए। दिस इज शोन इन फिगर 4.5। मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। यहाँ पे नेशन वन का ऑफर कर्व है एंड ये नेशन टू का ऑफर कर्व है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है, मेरा इक्विलिब्रियम नहीं आया है, इट्स ओके, बट आपको समझ में आ गया है। ई पॉइंट भी यहीं पे था, ई डैश भी यहीं पे था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसमें 60Y एंड 60X एक्सचेंज हो रहा है। आइए पढ़ के देखते हैं, रीड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, the offer curves of nation 1 and 2 in figure 4.5 are those derived in figure 4.3 and 4.4. these two offer curves intersect at point E, defining equilibrium relative price. This is relative price, px by py is equals to pb is equals to pb dash is equals to 1. तो वो relative price बता रहा है कौन सा, which is pb equals to pb dash equals to 1. इस price पे ट्रेड बैलेंस होगा। एट पी बी नेशन वन ऑफर 60X फॉर 60Y। पी बी पे नेशन वन रेडी है 60X एक्सपोर्ट करने के लिए, 60Y यूनिट ऑफ कमोडिटी अगर उसके पास आ रहा है तो। पॉइंट ई ऑन नेशन वन ऑफर कर्व एंड नेशन टू ऑफर्स एग्जैक्टली 60Y फॉर 60X। और नेशन टू क्या कर रहा है उस पॉइंट पे, वो 60X एक्सपोर्ट करने के लिए, सॉरी 60Y एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है फॉर 60X। पॉइंट ई डैश ऑन नेशन टूज ऑफर कर्व, दस ट्रेड इज इन इक्विलिब्रियम एट पी बी। सो पी बी पॉइंट पे ट्रेड इक्विलिब्रियम पे है। एट एनी अदर पॉइंट दैट इज पी एक्स बाय पी वाई, that is relative price, any other relative price, trade would not be in equilibrium. For example, PF is equals to half. PF is equals to half क्या है, PF is equals to half यानी आपका PX by PY कितना हो गया, 0.5. अब इस situation में क्या होता है, मैंने आपको किसी video पर तो समझाया था कि इस situation में ये हो रहा है कि PX की value कम हो चुकी है PY के comparison में,
तो अब एक्स की वैल्यू कम हो गई है। मैं एज अ सप्लायर मैं चाहूँगी कि मैं सप्लाई ना करूँ, राइट? तो मैं क्वांटिटी कम कर दूँगी इसका सप्लाई करने का, एक्सपोर्ट करने का। वेर एज ये एज अ पर्सन डिमांड ज़्यादा करेगा, वाई जो नेशन टू है, दूसरा पर्सन है जो इम्पोर्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है एक्स का, वो ज़्यादा डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि कम रेट पे मिल रहा है। सो पी एफ द 40x दैट नेशन वन वुड एक्सपोर्ट वुड फॉल शॉर्ट ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ कमोडिटी एक्स डिमांडेड बाई नेशन टू। मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे अगर समझो पी एक्स बाय पी वाई इक्वल टू वन था, तब एक्स कमोडिटी के टर्म्स पे देखते हैं, नेशन वन एक्स कमोडिटी का एक्सपोर्ट 60 यूनिट्स करना चाहता था, एक्सपोर्ट यानी सप्लाई, और नेशन टू एक्स कमोडिटी का इम्पोर्ट यानी डिमांड 60 करना चाहता था। बट जब रिलेटिव प्राइस कम हो गया, अब ये कम क्यों हुआ? या तो इसका प्राइस कम हुआ या इसका प्राइस बढ़ गया। रिलेटिवली पी एक्स का प्राइस ग्रेटर है पी वाई से। हमें ये देखना है पी एक्स का प्राइस ज़्यादा हो गया है तो एज अ सप्लायर मैं सप्लाई कम कर दूंगी। इस वजह से नेशन वन जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो 40 यूनिट्स सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहता है, यानी सिर्फ सप्लाई 40 यूनिट्स करना चाहता है। वेर एज नेशन टू, अब आप खुद देखो आपका एक्स कमोडिटी आप डिमांड कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड जब प्राइस कम होता है आप डिमांड ज़्यादा करते हो, तो नेशन टू इम्पोर्ट जो है यानी डिमांड जो है वो कितना कर रहा है, इस सिचुएशन में कितना गिवन है, जितना भी पॉइंट पे उस पॉइंट पे गिवन है, तो जितना नेशन टू इम्पोर्ट कर रहा है उससे कम है जितना नेशन वन एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ट्रेड बैलेंस नहीं होगा। दिस इज़ गिवन बाय द पॉइंट नॉट शोन इन द फिगर 4.5 वेयर द एक्सटेंडेड प्राइस लाइन पी एफ क्रॉसेस। अच्छा, ये मैं इस सिचुएशन में आपको बता देती हूँ कैसे पता चलेगा कि आपका उस प्राइस पे कितना नेशन वन डिमांड कर रहा है, नेशन वन सप्लाई कर रहा है। ये पी एफ किसकी बात कर रहे हैं, पी एफ हाफ की बात कर रहे हैं, राइट? 0.5। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ ऐसे, ठीक है, और इधर आप देख सकते हो नेशन वन का जो ऑफर कर्व है वो इधर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये वो एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है 40x, और 20y वो इम्पोर्ट करने के लिए रेडी है। तो 40x हम सिर्फ एक्सपोर्ट की बात करते हैं, 40x वो एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। नेशन टू इस प्राइस लाइन पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, अगर मैं इस ऑफर कर्व को थोड़ा सा ऐसे लेके जाऊँ, तो नेशन टू जो है वो इतना एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 50y एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन उसके अगेंस्ट नेशन टू क्या कहता है, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे इतना एक्स चाहिए। इतना एक्स मतलब से ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100, आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम नंबर्स, तो मुझे 100 एक्स चाहिए। सो डिमांड जो है ये नेशन टू का है ना कर्व, सो ये डिमांड जो कर रहा है 100x का वो ज़्यादा है कंपेयर टू द सप्लाई जो नेशन वन कर रहा है। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करके देखोगे और इसको एक्सटेंड करके देखोगे आपको पता चलेगा। क्या पता चल रहा है कि इस प्राइस लाइन पे विच इज़ नथिंग बट पी एफ इज इक्वल्स टू 0.5 या जिसे 1/2 से लिखा गया है, उस प्राइस लाइन पे जो नेशन वन है उसका ऑफर कर्व एच पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी वो 20y इम्पोर्ट करने के लिए 40x सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन उसी प्राइस लाइन पे क्योंकि प्राइस कम है तो डिमांड नेशन टू ज़्यादा करेगा, तो इस पॉइंट पे वो डिमांड कर रहा है 100x का किसके लिए, अगर मैं 50y दूंगा तो मुझे बदले में 100x चाहिए। सो
सो वो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो इससे आपको पता चलेगा कि फिर क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, सॉरी बढ़ता जाएगा प्राइस बढ़ता जाएगा जिस हिसाब से जो नेशन टू है वो अपना डिमांड थोड़ा थोड़ा कम करता जाएगा, यानी अगर मेरे को मिल सके, यस, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे पहुँचूँगी प्राइस बढ़ाती जा रही हूँ, रिलेटिव प्राइस बढ़ाती जा रही हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नेशन टू का कर्व है, आप नेशन टू का कर्व देखिए, ये वाला कर्व जो है वो नेशन टू का कर्व है, यहाँ पे वो अपना डिमांड कम करता जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर इस प्राइस लाइन पे ऑब्वियसली प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्राइस बढ़ेगा, 0.6 हुआ, 0.7 हुआ, 0.8 हुआ, तो प्राइस बढ़ रहा है, तो आप अपना डिमांड कम करते जा रहे हो, तो नेशन टू अपना डिमांड कम करता जाएगा, वेरैज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है तो सॉरी थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ता जाएगा, वो नेशन वन अपना सप्लाई भी उस प्राइस के इवेंचुअली बढ़ाता जाएगा, इस पॉइंट पे। आई नो थोड़ा मेसी है डायग्राम, बट आप समझने की कोशिश करो, आप खुद बना सकते हो, खुद ड्रॉ कर सकते हो, तो आपका ये क्या होगा, सप्लाई जो नेशन वन कर रहा है वो बढ़ता जाएगा एंड इवेंचुअली ई पॉइंट पे आके मिलेंगे। आगे रीड करते हैं, नेशन वन, ओके, द एक्सेस इंपोर्ट डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स एट पी एफ हाफ बाय नेशन टू टेंड्स टू ड्राइव द रिलेटिव प्राइस अप, इस वजह से रिलेटिव प्राइस अप होता जाएगा 0.6 0.7। एज दिस अकर्स नेशन वन विल सप्लाई मोर ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर एक्सपोर्ट, तो अब नेशन वन सप्लाई धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है एंड नेशन टू जो है वो अपना इम्पोर्ट डिमांड रिड्यूस कर देगा फॉर कमोडिटी एक्स, दिस विल कंटिन्यू अंटिल द सप्लाई इक्वल्स डिमांड। अब वो इक्वल कब होगा, इक्वल तो एक ही पॉइंट पे हो रहा है, पी बी पे, द प्रेशर फॉर पी एफ टू मूव टूवर्ड्स पी बी कुड ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वाई, ये आप वाई के लिए भी कर सकते हो, जब पी एक्स बाय पी वाई या कोई और वैल्यू पी एक्स बाय पी वाई बढ़ गया तो उस सिचुएशन के लिए भी आप बता सकते हो, अगर बढ़ गया तो क्या होगा, चलो एक बार सिर्फ देख लेते हैं फटाफट से, अगर समझो बढ़ गया यानी वन से अब टू हो गया, तो टू हो गया, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, अब ये लाइन है बढ़ गया, अब इस लाइन पे नेशन वन का पहले देखते हैं, नेशन वन कहाँ है, अच्छा नेशन टू का देखते हैं, नेशन टू इतना डिमांड, देखो प्राइस बढ़ चुका है, जब प्राइस बढ़ता है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, आपका डिमांड कम हो जाएगा, तो यहाँ पे नेशन टू डिमांड कर रहा है एक्स कमोडिटी का, नेशन टू ने अपना डिमांड कम कर दिया, 20 यूनिट्स कर दिया 60 से। दूसरी चीज़ क्या हुई, अब नेशन वन सप्लाई कितना कर रहा है, यानी जब प्राइस बढ़ गया तो नेशन वन क्या करेगा, एज ए सप्लायर वो बढ़ा देगा अपना सप्लाई, तो आप अगर इस कर्व को ऐसे बना दो आपको ये पॉइंट मिलेगा, यानी वो अपना सप्लाई जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, अपसाइड जाएगा ऐसे, तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होगा वो सप्लाई ज़्यादा होगा डिमांड से, इवेंचुअली यहाँ पे वो मैच नहीं हो रहा है, वो थोड़ा ऊपर जाएगा और वो 60 होगा या 60 से ज़्यादा होगा, यानी वो एक्सपोर्ट, ऑब्वियसली वो 60 से ज़्यादा होगा, वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहेंगे एज़ कम्पेयर टू, क्यों सप्लाई ज़्यादा करना चाहेंगे इस प्राइस पे एज़ कम्पेयर टू नेशन टू जो डिमांड करना चाहता है, तो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो क्या होगा, प्राइस फॉल होगा, प्राइस फॉल होते होते इवेंचुअली इस पॉइंट पे आ जाएगा पी वन पे। आप चाहे तो ड्रॉ करके खुद देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ओके, नोट दैट इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस ऑफ पी बी इक्वल टू वन विथ ट्रेड डिटरमाइंड इन द फिगर इज आइडेंटिकल टू दैट फाउंड बाय ट्रायल एंड एरर इन फिगर 3.4। सो 3.4 में जब हम लोग ने कैलकुलेट किया था पी बी इक्वल टू वन, यानी हम जब
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और इंडिफरेंस कर्व यूज़ करके ट्रायल एंड एरर करके हम लोग जो इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुँचे थे वही यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है। बोथ नेशन हैपन टू गेन इक्वली फ्रॉम ट्रेड, सो दोनों नेशन को इक्वल गेन्स हुआ है ट्रेड के साथ। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जनरल एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग ना? यस। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? वी कैन ऑल्सो इलस्ट्रेट इक्विलिब्रियम ऑफ आर टू नेशन विद डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स एंड डज शो द रिलेशनशिप बिटवीन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ फिगर ऑफ सेक्शन 4.4 एंड द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ सेक्शन 4.2। दिस इज शोन इन फिगर 4.6। 4.6 देख लेते हैं, ये आपका फिगर है। हम दोनों यूज़ करके हम देख रहे हैं कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुँच रहे हैं। इन 4.6 एस इज़ द नेशन वन सप्लाई कर्व ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड इज डिराइव फ्रॉम नेशन वन प्रोडक्शन फ्रंटियर एंड इंडिफरेंस मैप इन लेफ्ट पैनल और 4.3, जहाँ से आपने ऑफर कर्व हमने जो डिराइव किया था वहाँ से। तो इस वजह से अगर आप चेक करो, हम जब पार्शियल कर रहे थे तब हमने स्ट्रेट लाइन बनाया था, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, हम एक कर्व की तरह बनाया है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और इंडिफरेंस कर्व को यूज़ करके इस सप्लाई कर्व को हमने बनाया है। स्पेसिफिकली एस शोज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी एक्स बाय नेशन वन एट 0.A, दैट इज एट पी एक्स बाय पी वाई 1/4 40, दैट इज पॉइंट एच एट पी एक्स। ओके, तो ये क्या है, ये कहाँ से शुरू होगा? रिमेंबर पार्शियल में मैंने बोला था कि वो 1/4 पे ऑटार्की पे है, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ज़ीरो एक्सपोर्ट। एच पॉइंट पे कितना कर रहा है? एच पॉइंट कौन सा था? एच पॉइंट वो पॉइंट था जहाँ पे आपका पी एक्स कितना हो जा रहा था, हमारा पी एक्स 0.5 था। पी एक्स बाय पी वाई, आई मीन पी एक्स बाय पी वाई कितना था? 0.5 था, देख सकते हो 1/2 40 एंड 60 कब कर रहा था, जब 1 था, एंड 1/2 यानी 3/2। तो उस सिचुएशन में ऑलमोस्ट मतलब 1.5 पे आपका, जब 1.5 पे होगा तो 80 यूनिट्स इवेंचुअली, वो 80 है कि जो भी है उतना यूनिट्स वो सप्लाई करने के लिए रेडी है। तो वही पॉइंट्स वहाँ से उठा के यहाँ पे डिपिक्ट किए हैं। एच पॉइंट है, ई पॉइंट है एंड एज इंडिकेटेड इन द लेफ्ट पैनल एंड नेशन वंस ऑफर कर्व इन द राइट पैनल। ऑफर कर्व में जैसे इंडिकेट किया है वैसे ही यहाँ पे इंडिकेट किया। डिफरेंस एक चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस। ऑफर कर्व में हम एक्स एक्सिस पे एक्सपोर्ट कमोडिटी ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे इम्पोर्ट कमोडिटी ले रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक्स अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसके बदले मुझे इतना वाई इम्पोर्ट होना चाहिए, मैं इतना वाई डिमांड कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपका एक्स कमोडिटी यहाँ पे और पी एक्स बाय पी वाई यहाँ पे है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ नोट कर देना, मैं आपको दिखा भी देती हूँ ऑफर कर्व्स का डायग्राम। आप देख सकते हो एक्स कमोडिटी यहाँ पे है, वाई कमोडिटी यहाँ पे है, इधर भी देख लो। यस, सी एक्स एंड वाई। मूविंग फॉरवर्ड द एक्स एक्सपोर्ट ऑफ 70x बाय नेशन वन एट पी एक्स बाय पी वाई 1.5 कैन सिमिलरली बी ऑब्टेंड फ्रॉम द लेफ्ट पैनल। वो आप हम लोग अगर पहले वाले डायग्राम्स में थोड़ा और चेंजेस करें, थोड़ा और ऑफर कर्व को एक्सटेंड करें तो वो पॉइंट मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड डिमांड रेफर्स टू नेशन टूज डिमांड फॉर नेशन वंस एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड इज डिराइव फ्रॉम टूज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड इंडिफरेंस मैप इन द लेफ्ट पैनल और 4.4। एंड वही ऑफर कर्व्स में जो यूज़ किया था डिराइव करने के लिए ऑफर कर्व्स को। स्पेसिफिकली डी इज, तो ये डी है, जब हाफ था तो डी का डिमांड ज़्यादा था, 0.5 पे डी का डिमांड ज़्यादा था। याद है मैंने आपको पूरा ऑफर कर्व एक्सटेंड करके दिखाया,
वन पे 60 डिमांड था एंड 1.5 पे इतना डिमांड था, सॉरी इतना डिमांड था, वही सोचूं क्यों ज़्यादा डिमांड आ रहा है, इतना डिमांड था, डिमांड कर्व ये है ना ये, तो इतना डिमांड था 40 1.5। तो वो आपको ऑफर कर्व से भी मिल जाएगा, आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम वाले डायग्राम से भी मिल जाएगा। उनका कहना वही है कि दोनों डायग्राम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, आप किसी भी चीज़ को यूज़ करो आप इवेंचुअली इसी चीज़ पे पहुँचते हो कि हमें इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करना है। डी एंड एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई इन द फिगर 4.6 डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम एट 1 एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ 60x। फिगर 4.6 शोज दैट at px by p by 1.5 there is excess supply of export। अभी तक हम वही देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिकली बताया कितने अमाउंट का एक्सेस सप्लाई हो जा रहा है एंड कितने अमाउंट का एक्सेस डिमांड हो रहा है उस पॉइंट पे। जब px by p by हाफ था तो कितना एक्सेस डिमांड है, कितना क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड कर रहा है नेशन टू, वेराज 1.5 पे कितना कमोडिटी, कितना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है नेशन वन एंड इवेंचुअली 1 पे आएगा। दस रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम प्राइस पी एक्स बाई पी वाई इक्वल टू 1 गिवन बाय द पॉइंट ई इन द फिगर। द सेम कंक्लूजन वुड बी रीच्ड इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई में भी आपको वही सेम कंक्लूजन मिलेगा। If on the other hand nation 2 was small, its demand curve for nation 1's export of commodity X would intersect horizontal portion of nation 1's supply curve of export of commodity X near the vertical axis। तो जो horizontal portion होगा nation 1 का supply curve का, almost जो वर्टिकल एक्सिस की तरफ जाएगा, यानी अगर हम सप्लाई कर्व को एक्सटेंड करते जाएं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट जो वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल पाथ बोला ना, या सो इट वुड बी दिस पाथ, इट वुड बी दिस पाथ हॉरिजॉन्टल पाथ। अगर नेशन टू स्मॉल है तो वो हॉरिजॉन्टल पाथ जो है पोर्शन नेशन वन का, वहाँ पे वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा डिमांड नेशन टू का विथ नेशन वन का सप्लाई। इन दैट केस नेशन टू वुड ट्रेड एट प्री ट्रेड प्राइस 1/4। सो इधर इन केस समझो मैं ना ड्रॉ करके एक स्मॉल एग्जांपल ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे समझो उनका डिमांड ऐसे आ रहा है, स्मॉल नेशन है ना तो डिमांड कम है, तो वो इधर इंटरसेक्ट करेगा एट 1/4 प्री ट्रेड प्राइस। प्री ट्रेड प्राइस ऑफ 1/4 जो नेशन वन का था एंड नेशन टू वुड रिसीव ऑल द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, और नेशन टू को सारे गेन्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1/4 तो नेशन वन का ऑलरेडी है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नेशन टू को बहुत फ़र्क पड़ रहा है उस प्राइस पे, वो अच्छा खासा कमोडिटी जितना वो सप्लाई उनको मिल पा रहा है, यानी जितना वो डिमांड कर रहे हैं एक्सपोर्ट नेशन वन कर रहा है वो उनको मिल पा रहा है, तो गेन्स उनके लिए, मैंने आई गेस पहले कहीं पे भी मैंने कैलकुलेट करके भी बताया है कि जब 1/4 होता है तो कैसे नेशन टू गेन कर रहा है नेशन वन लूज कर रहा है, कंपैरेटिव एडवांटेज वाले सेक्शन में ही होगा शायद, आप देख सकते हो। गोइंग बैक टू आवर फिगर 4.6 वी सी दैट इट शोज द सेम बेसिक इन्फॉर्मेशन एज फिगर 4.5 एंड बोथ आर डिराइव फ्रॉम नेशंस पीपीएफ एंड आईसी। देयर इज़ बेसिक डिफरेंस हाउएवर बिटवीन टू फिगर्स। तो जो हमारा 4.6 फिगर था अभी वाला वो ऑलमोस्ट 4.5 की तरह सेम है, पीपीएफ और आईसी कर्व्स को ही यूज़ करके डिराइव किया गया है ये डिमांड एंड सप्लाई। एक जो डिफरेंस है वो क्या है, फिगर 4.5 जो था वो रेफर करता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड कंसिडर्स ऑल मार्केट्स टुगेदर नॉट जस्ट द मार्केट ऑफ कमोडिटी एक्स। तो वहाँ पे हम जनरल इक्विलिब्रियम बात कर रहे थे, एक्स भी वाई भी
मार्केट्स जो भी है, तो इस सिचुएशन सिर्फ टू नेशन टू कमोडिटी का सिचुएशन था, तो आपके पास सिर्फ टू कमोडिटीज़ हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ टू मार्केट्स हैं, एक्स का मार्केट एंड वाई का मार्केट, तो वो एक्स एंड वाई दोनों का मार्केट कंसिडर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, फिगर 4.5 एंड कंसिडर ऑल मार्केट टुगेदर, नॉट जस्ट द मार्केट फॉर कमोडिटी एक्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज चेंजेस इन द मार्केट फॉर कमोडिटी एक्स अफेक्ट अदर मार्केट एंड दीज मे गिव राइज टू इम्पॉर्टेंट रिप्रिकॉशंस ऑन मार्केट फॉर कमोडिटी एक्स इटसेल्फ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, कि अगर हमारा एक्स कमोडिटी में कुछ चेंजेस आता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो अफेक्ट करता है वाई कमोडिटी को भी, एंड उसके वजह से एक्स को भी और फ़र्क पड़ेगा, चेंजेस आएगा, इफेक्ट पड़ता है, राइट। अगर समझो सब्स्टिट्यूट खुद से आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया होगा, जैसे हम डिमांड कंसिडर करते, तो हम ये नहीं करते कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के मार्केट में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो डिमांड हमारे इस कमोडिटी का चेंज होगा, लेकिन वो होता है। तो हम जनरल इक्विलिब्रियम में सारे मार्केट कंसिडर कर रहे हैं, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑन दी अदर हैंड, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ 4.6 विच यूटिलाइजेज डिमांड एंड सप्लाई कर्व डज नॉट कंसिडर दीज रेप्रिकॉशंस एंड कनेक्शंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मार्केट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड द मार्केट फॉर ऑल अदर कमोडिटी इन इकोनॉमी। पार्शियल इक्विलिब्रियम बाकी सारे मार्केट्स को नहीं कंसिडर करता है, वही बोलते हैं ना, कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज ऑफन यूजफुल एट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, बट फॉर कम्प्लीट एंड फुल आंसर जनरल इक्विलिब्रियम इज। तो आपको अगर पहले, जैसे बोलते हैं ना कि हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वेरी बेसिक से स्टार्ट करो, तो इस वजह से पहले पार्शियल इक्विलिब्रियम हम करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम पहले पार्शियल इक्विलिब्रियम समझते हैं, कि पहले वो तो समझे कि प्राइस क्या इफेक्ट कर रहा है डिमांड पे, फिर हम जाएंगे टेस्ट में फ़र्क आया तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में फ़र्क आया तो क्या होगा, अगर इनकम में फ़र्क आया तो क्या होगा, वो बाद में समझेंगे, पहले प्राइस इफेक्ट समझो, फिर बाकी सारों का इफेक्ट आएगा। तो इस वजह से बिगिनिंग के लिए ठीक है, लेकिन इवेंचुअली आपको जनरल पे जाना ही पड़ेगा फॉर एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द मार्केट्स, क्योंकि इफेक्ट रियलिटी में दूसरे मार्केट्स पे भी पड़ता है। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो।